तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टेकन फोर नाम की इस मूवी के बारे में जो कि अपकमिंग हमें देखने को मिलने वाली है दोस्तों टेकन थ्री जो कि हमें दो हज़ार एक दस चौदह में देखने को मिली थी उसी का अगला पार्ट ही हमें देखने को मिलने वाला है टोटल तीन पार्ट देखने को मिल चुके हैं चौथा अपकमिंग आने वाला है तो पूरी जानकारी उसके बारे में आपको बताता हो आप वीडियो को कर दे लाइक इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं ओलिवियन मेगाटन द्वारा निर्देशित और ल्यूक बेसन और रॉबर्ट मार्क कामेन द्वारा लिखित 2014 की अंग्रेजी भाषा की एक शन थ्रिलर फिल्म है यह टेकन फिल्म श्रृंखला की तीसरी और अंतिम किस्त है फ्रांस स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहनिर्माण फिल्म में लियाम नीसन फॉरेस्ट वेरिटेकर मैगी ग्रेस और फेमके जानसेन है यह फिल्म जर्मनी में दो के अंत में रिलीज हुई और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 जनवरी 2015 को 20वीं शताब्दी फॉक्स द्वारा और फ्रांस में 21 जनवरी 2015 को यूरोपाकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा रिलीज हुई इसने दुनिया भर में डॉलर 326 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षा प्राप्त की सेवानिवृत्त सीआईए अधिकारी ब्रायन मिल्स अपनी बेटी किम से मिलने उसके जन्मदिन का उपहार देने जाते हैं एक अजीब मुलाकात के बाद वह अपनी पूर्व पत्नी लेनोर को डिनर पर आमंत्रित करता है हालांकि वह मना कर देती है लेकिन बाद में वह उसके अपार्टमेंट में आती है और उसे अपनी वैवाहिक समस्याओं के बारे में बताती है लेकिन कहती है कि वह इसे ठीक करना चाहती है बाद में उसका पति स्वर्ग ब्रायन से कहता है कि वह अपनी पत्नी को फिर कभी न देखे अगली सुबह ब्रायन को लेनोर से एक संदेश मिलता है जिसमें वह नाश्ते के लिए मिलने के लिए कहती है जब ब्रायन घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि लेनोर मर चुकी है दो लैप्ट अधिकारी तुरंत उसे गिरफ्तार करने के लिए आते हैं लेकिन ब्रायन उन्हें वश में कर लेता है अन्य अधिकारियों को परोस में उसका पीछा करने के लिए ले जाता है सीवर सिस्टम में गायब हो जाता है और भाग जाता है इस बीच लैप जासूस डोटसलर ब्रायन की पृष्ठभूमि की समीक्षा करता है ब्रायन हथियारों और निगरानी इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस एक सुरक्षित घर में वापस चला जाता है वह लेनोर की अंतिम गतिविधियों को एक गैस स्टेशन पर वापस लाता है और निगरानी फुटेज प्राप्त करता है जिसमें उसे विशिष्ट हाथ टैटू वाले पुरुषों द्वारा अपहरण करते हुए दिखाया गया है लैप जासूस उसे गिरफ्तार करने के लिए आते हैं लेकिन ब्रायन पुलिस क्रूजर को हाईजैक कर लेता है और लैप डेटाबेस से फोन रिकॉर्ड को थम ड्राइव पर डाउनलोड कर लेता है वह अपने दोस्त सैम के सूत में छिपे कैमरे के माध्यम से लेनोर के अंतिम संस्कार में किम से संपर्क करता है और उसे अपने बहुत अनुमानित कार्यक्रम को बनाए रखने का निर्देश देता है ब्रायन बाद में उससे मिलने की व्यवस्था करता है और एक निगरानी बग को हटाता है जिसे डोथलर ने उस पर लगाया था किम ब्रायन को बताती है कि वह गर्भवती है और स्तवर्फ डरे हुए होने का नाटक कर रहा है और उसने अंगरक्षकों को काम पर रखा है ब्रायन स्तवर्थ की कार का पीछा करता है लेकिन उसका पीछा कर रही एक एसयूवी उस पर घात लगाकर हमला करती है जिससे उसकी कार एक चट्टान पर गिर जाती है ब्रायन बच जाता है दूसरी कार को हाईजैक कर लेता है और हमलावरों का पीछा करते हुए सड़क किनारे शराब की दुकान तक पहुंच जाता है ब्रायन उन आदमियों को मार देता है फिर स्टर्थ का अपहरण कर लेता है और वाटर बोर्डिंग का इस्तेमाल करके उससे पूछताछ करता है स्टर्ट कबूल करता है कि उसके पूर्व व्यापारिक साहेदार और पूर्व रूसी स्पेतनाज ऑपरेटर ओलेग मालनकोव ने लेनोर की हत्या की क्योंकि स्टर्ट पर उसका पैसा बकाया था ईर्ष्या के कारण स्टुअर्ट ने ब्रायन की पहचान मालनकोव के सामने उजागर कर दी अपने पुराने सहकर्मियों और घबराए हुए स्टुअर्ट की सहायता से ब्रायन मालनकोव के अत्यधिक सुरक्षित पेंट हाउस में प्रवेश करता है ब्रायन द्वारा मालनकोव के गार्डों को मारने और मालनकोव से लड़ने के बाद एक घातक रूप से घायल मालनकोव ने खुलासा किया कि स्टुअर्ट ने लेनोर की हत्या की योजना बनाई और बारर शून्य 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 की जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए एक व्यापारिक सौदे के हिस्से के रूप में ब्रायन को फंसाया मालनकोव ने कहा कि जब स्टुअर्ट ब्रायन को मारने में विफल रहा तो उसने ब्रायन का इस्तेमाल मालनकोव को मारने की कोशिश करने के लिए किया ताकि स्टुअर्ट बीमा राशि रख सके इस बीच स्टुअर्ट किम का अपहरण कर लेता है पैसे लेकर भागने का इरादा रखता है पुलिस के पीछा करने पर ब्रायन मालनकोव की पोर्श में हवाई अड्डे पर पहुंचता है जबकि स्टुअर्ट का निजी विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा होता है पोर्ष से लैंडिंग गियर को नष्ट करने के बाद ब्रायन स्टुअर्ट पर हावी हो जाता है किम की दलीलों पर ध्यान देते हुए ब्रायन स्टुअर्ट को मारने से बचता है लेकिन उसे चेतावनी देता है कि अगर वह न्याय से बच जाता है या उसे कम जेल की सज़ा मिलती है तो उसे बदला लेना होगा डॉड्सलर और एलआईपीडी पहुंचते हैं और स्टुअर्ट को गिरफ्तार करते हैं जबकि ब्रायन को बरी कर दिया जाता है इसके बाद किम ने ब्रायन से कहा कि यदि बच्चा लड़की हुआ तो वह उसका नाम अपनी मां के नाम पर रखना चाहती है ढालना ब्रायन मिल्स के रूप में लियाम नीसन फॉरेस्ट रिटेकर इंस्पेक्टर फ्रैंक डोट्सलर के रूप में मैगी ग्रेस किम मिल्स के रूप में पांच लेनोर सेंट के रूप में फेम के जानसेन जॉन डग्रेस स्कॉट स्टुअर्ट सेंट जॉन स्कॉट ने पहली फिल्म में जेंडर बरकले की जगह ली है सैम प्रुएल ओलेग मालनकोव के रूप में लेलैंड ओरसर सैम गिलरोय के रूप में सात जॉन ग्रीज मार्क केसी के रूप में सात डेविड वार्सोफस्की बर्नी एरिस, जॉनी वेस्तन जिमी के रूप में आठ डॉन हार्वे जासूस गार्सिया के रूप में डिलेन ब्रूनो जासूस स्मिथ के रूप में अल सेपिएजा जासूस जॉनसन के रूप में उत्पादन 28 सितंबर दो हजार बारह को लियाम नीसन ने कहा कि तीसरी फिल्म नहीं होगी या टेकन तीन के होने की संभावना न्यूनतम थी नौ बाद में अक्टूबर 2012 में पहली दो फिल्मों के पटकथा लेखकों ने हॉलीवुड को बताया कि 20वीं शताब्दी फॉक्स और यूरोपाकॉट चाहते थे कि वे तीसरी फिल्म करें लेकिन यह दूसरी दिशा में जाएगी 10, 24 जून 2013 तक पटकथा फिल्म लेखकों द्वारा लिखी जा रही थी लेकिन कोई निर्देशक तय नहीं हुआ था 11, 12 मार्च दो को मैगी ग्रेज कलाकारों में शामिल हुई पांत इसके बाद अगले दिन फेम के जानसेन के साथ एक सौदा किया गया छ 24 मार्च 2014 को लेलैंड और सर भी अपने किरदार को निभाने के लिए लौट आए जैसा कि जॉन ग्रीस आठ नीसन ने इस भूमिका के लिए 20 मिलियन डॉलर मांगे और उन्हें भुगतान भी किया गया चूंकि फिल्म को बनाने में केवल 48 मिलियन डॉलर की लागत आई थी इसलिए उनका वेतन अकेले बजट का लगभग आधा था बारह स्टुअर्ट सेंट जॉन की भूमिका जिसे मूल रूप से पहली फिल्म में जेंडर बर्कले ने निभाया था को फिर से बनाया गया और इस फिल्म में वह भूमिका द स्कॉट ने निभाई फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 29 मार्च 2014 को लॉस एंजल्स तेरह और साथ ही अटलांटा में शुरू हुई 14 24 अप्रैल 2014 को जॉर्जिया के कोविंगटन में फिल्मांकन शुरू हुआ जहां उन्होंने दो दिनों के दौरान न्यूटन कॉलेज और कैरियर अकादमी में दृश्य फिल्म आए फिफ्टीन संगीत नाथनियल मेछली को फिल्म का स्कोर बनाने के लिए चुना गया था सिक्सटीन नाथनियल मेचली द्वारा लिखे और संगीतबद्ध सभी गाने सिवाय जहां उल्लेख किया गया हो 17. ओलिवियर मेगाटन जन्म ओलिवियर फोन्टाना 6 अगस्त उन्नीस सौ पैंसठ एक एक फ्रांसीसी निर्देशक लेखक और संपादक हैं, जिन्होंने द रेड सायरन ट्रांसपोर्टर तीन कोलंबियन टेकन दो और टेकन तीन फिल्मों का निर्देशन किया है प्रारंभिक जीवन फोंटाना का जन्म पेरिस में हुआ था हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के 20 साल बाद और उन्होंने अपना कलात्मक नाम मेगाटन इसी से प्रभावित होकर चुना था वे पेरिस के एक बैनली में पले और मनोविज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद एक ग्राफिक कलाकार के रूप में सक्रिय थे और भित्ति चित्रकला में भी माहिर थे संगीत वीडियो निर्देशक जीन बैप्टिस्ट मोन्डिनो से मिलने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया एक दो तीन चार फोंटाना ने आखिरकार फीचर फिल्मों का निर्देशन करने से पहले शॉर्ट्स और वीडियो क्लिप बनाना शुरू किया पांच वह इतालवी मूल के आजीविका फोंटाना ने द दरेड सायरन, ट्रांसपोर्टर तीन टेकन दो और टेकन तीन का निर्देशन किया है सात उन्हें मैथिल्डा लियोन की अगली कड़ी का निर्देशन करने के लिए चुना गया था लेकिन उन्होंने राय व्यक्त की कि फिल्म बनने की संभावना नहीं है आठ उन्होंने हिटमैन फिल्म के लिए सेकंड यूनिट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया फिल्म निर्देशन में उनकी ट्रेडमार्क तकनीक में जानबूझकर कैमरावर्क और संपादन को भ्रमित करना शामिल है नाइन फिल्म निर्माण के अलावा फोंटाना एक प्रकाशित लेखक भी है उनके उपन्यास जिसका शीर्षक ले फैक्ट्यूर ह्यूमन द ह्यूमन फैक्टर ए उन्नीस में जारी किया गया था पांच 2021 में फोंटाना ने मॉन्स्टर्स इनसाइड द चौबीस फेसेस ऑफ बिली मिलीगन नामक एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने के लिए फिल्म निर्माण में वापसी की डॉक्यूमेंट्री को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में इसके कलंक के लिए रिलीज के तुरंत बाद आलोचना मिली फिल्मोग्राफी विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र निदेशक एक सिट दो हजार द रेड सायरन दो हजार दो लेखक भी ट्रांसपोर्टर तीन दो हजार आठ कोलंबियाना दो हजार ग्यारह टेकन दो दो हजार बारह टेकन तीन दो हजार चौदह अमेरिकी अपराध के अंतिम दिन दो हजार बीस द्वितीय इकाई निदेशक हिटमैन दो हजार सात ट्रांसपोर्टर तीन दो हजार आठ फिल्में टेकन तीन फिल्म का ट्रेलर एक जनवरी दो हजार पंद्रह को हांगकांग और दक्षिण कोरिया में रिलीज हुआ आठ जनवरी को यह फिल्म यूके में सोलह जनवरी को स्पेन में इक्कीस जनवरी को फ्रांस में और बारह फरवरी को इटली में रिलीज हुई एठिन बीसवीं सेंचुरी फॉक्स ने 9 जनवरी 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म रिलीज की 19 फिल्म को इटली में टेकन तीन डेला वेरिटा मेक्सिको में बुस्क्वेडा इम्प्लाकेबल तीन इंच स्पेन में वंगंजा जर्मनी में छियानवे ओवर्स टेकन तीन इंट और रूस में जालोजनी तीन इंच शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था एठिंग टेकन तीन ने व्यवसाय केंद्रित सोशल नेटवर्क लिंक्डइन के साथ एक कुछ हद तक अपरंपरागत मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया जिसमें एक प्रशंसक को उनके लिंक्डइन कौशल के विशेष सेत कोलिया नीसन के चरित्र मिल्स द्वारा समर्थित किया गया पहले टेकन में एक पंक्ति के लिए एक इशारा जहां मिल्स ने अपने बहुत ही विशेष कौशल सेत को रेखांकित किया ध्वणे बॉक्स ऑफिस फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में नवासी दशमलव तीन मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में दो सौ छत्तीस दशमलव पांच मिलियन डॉलर की कमाई की जिससे दुनिया भर में तीन सौ छब्बीस दशमलव चार मिलियन डॉलर की कमाई हुई जबकि इसका बजट अड़तालीस मिलियन डॉलर था उत्तरी अमेरिका में फिल्म ने अपने शुरुआती दिन पूर्वावलोकन सहित चौदह दशमलव सात मिलियन डॉलर कमाए जो कि 2015 की अमेरिकन स्निपर तीस दशमलव पांच मिलियन डॉलर 2008 की क्लोवरफील्ड 17.16 मिलियन डॉलर और 2012 की द डेविल इनसाइड 16.8 मिलियन डॉलर के बाद जनवरी में रिलीज हुई फिल्म के लिए चौथा सबसे बड़ा ओपनिंग डे है इक्कीस बाईस इसने अड़तीस डॉलर उनतालीस मिलियन डॉलर के अनुमान के मुकाबले उनतालीस दशमलव दो मिलियन डॉलर के साथ अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया इक्कीस तेईस चौबीस जिससे यह टेकन दो उनचास मिलियन डॉलर के बाद टेकन फ्रेंचाइज में दूसरी सबसे बड़ी शुरुआत बन गई और अमेरिकन स्नीपर नवासी दशमलव दो मिलियन डॉलर राइड अलोंग डॉलर इकतालीस दशमलव पांच मिलियन और क्लोवर फील्ड चालीस दशमलव एक मिलियन डॉलर के बाद जनवरी की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई उत्तरी अमेरिका के बाहर फिल्म ने दक्षिण कोरिया और हांगकांग में अपने यूएस डेब्यू से एक हफ्ते पहले ओपन किया और क्रमशः आठ मिलियन डॉलर और एक दशमलव दो सात मिलियन डॉलर कमाए कुल मिलाकर नौ डॉलर चौतीस सेंट मिलियन सत्ताईस उत्तरी अमेरिका के बाहर अपने वास्तविक शुरुआती सप्ताहांत में फिल्म नाइट एट द म्यूजियम सीक्रेट ऑफ द टॉम के बाद दो थी जिसने छत्तीस बाजारों में चार हजार सात सौ तीस स्क्रीन से इकतालीस मिलियन डॉलर कमाए यूके और माल्टा दस डॉलर छियासी सेंट मिलियन और ऑस्ट्रेलिया चार दशमलव आठ मिलियन डॉलर में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय ओपनिंग देखी गई मलेशिया सिंगापुर और थाईलैंड में भी एक रहा 28 फिल्म ने यूके में 5.5 मिलियन डॉलर के साथ पहला स्थान हासिल किया और जर्मनी में 4.4 मिलियन डॉलर रूस में 2.2 मिलियन डॉलर फिलीपींस में 2.5 मिलियन डॉलर के साथ शुरुआत की जो कि 20वीं सेंचुरी फॉक्स के लिए दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग है। फ़िल्म को आलोचकों द्वारा खराब तरीके से प्राप्त किया गया था जिसमें फ़िल्म के एक्शन दृश्यों संपादन निर्देशन और कथानक की आलोचना की गई थी लेकिन अभिनय की प्रशंसा की गई थी तीस रोटन टोमाटोज पर फिल्म को एक समीक्षाओं के आधार पर तेरह की रेटिंग मिली है जिसकी औसत रेटिंग तीन दस है जो त्रे की सबसे खराब रेटिंग वाली फिल्म बन गई है साइट की आलोचनात्मक सहमति पड़ती है टूटलेस पीजी तेरह एक्शन दृश्यों असंगत निर्देशन और एक घिसीपिटी साजिश से बाधित टेकन तीन एक स्पष्ट संकेत के रूप में कार्य करता है कि इस फ्रेंचाइजी को रिटायर करने का समय आ गया है इकतीस मेटाक्रिटिक पर फिल्म को तीस आलोचकों के आधार पर एक में से छब्बीस का स्कोर मिला है जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षा दर्शाता है बत्तीस सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर बी प्लस का औसत ग्रेड दिया जो इसके पूर्ववर्ती के समान है द न्यूयॉर्क टाइम्स के निकोलस रेपोल ने फिल्म को नकारात्मक रेटिंग देते हुए लिखा ल्यूक बेसन और रॉबर्ट मार्क कामेन द्वारा लिखित यह पटकथा सिर को पकड़ लेने वाले नीरस नाटकीय दृश्यों के नीचे दब जाती है केवल लियाम नीसन की अपील किसी तरह से बची हुई है जो शायद सभी में सबसे प्रभावशाली स्टंट है तैंतीस वैरायटी की मैगी ली ने भी फिल्म के लिए नकारात्मक टिप्पणी की उन्होंने कहा लिया मीसन एक्शन फ्रेंचाइजी की तीसरी और संभवतः अंतिम किस्त एक दिमाग सुन करने वाली क्रैशब्रंग मिसफायर ए चौतीस लॉस एंजल्स टाइम्स की बेतसी शार्की ने फिल्म को नकारात्मक समीक्षा देते हुए लिखा टेकन तीन इतनी अनजाने में प्रफुल्लित करने वाली है कि मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी क्या इन दिनों फिल्म अनुबंधों में अपमानजनक बोनस क्लौद होता है पैंतीस न्यूयॉर्क डेली न्यूज के जो न्यूमियर ने फिल्म को पांच में से शून्य स्टार दिए उन्होंने कहा यहाँ दर्शकों को धोखा दिया जाता है yes. सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिकलासेल ने फिल्म को नकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा अगर आपको अन्य टेकन फिल्में पसंद हैं, तो आपको यह पसंद आएगी लेकिन अगर आप इसे पसंद करने के लिए दृढ़ हैं, तो आपको खुद से बात करनी होगी और तब भी यह काम नहीं कर सकता है सैंतीस एवी क्लब के इग्नाटी विष्णुवेस्की ने फिल्म को सीघ्रे दिया जिसमें कहा गया क्योंकि मिल्स की अति कभी रोमांचक नहीं लगती बल्कि यह हसीम वाली हो जाती है अड़तीस रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को शून्य स्टार दिए टिप्पणी करते हुए कहा सीक्वल के मुरीदों सावधान रहें, यह चीज बेकार है बासठ साल की उम्र में नीसन में अभी भी एक चमक है जिसका मतलब है कि वह बदमाश है इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता केवल दर्शक ही प्रभावित हो रहे हैं थर्डी नाइन इसके विपरीत फिल्म को एल ए वीकली की एमी निकोलसन से अधिक सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने फिल्म को सी ग्रेड दिया उन्होंने कहा टेकन तीन के बारे में आपको बस इतना जानना चाहिए कि लियाम नीसन एक विस्फोटक कार दुर्घटना से बच जाता है दो बार अचालीस एंटरटेनमेंट वीकली के काइल एंडरसन ने भी फिल्म को बी ग्रेड देकर समीक्षा के साथ सकारात्मक रुख अपनाया उन्होंने टिप्पणी की यह त्रय में सबसे कमज़ोर है लेकिन टेकन तीन एक और दिन जीवित रहने के लिए पर्याप्त है 41. वन रॉबर्ट मान कामेन जन्म 9 अक्टूबर उन्नीस एक अमेरिकी पटकथा लेखक है जिन्हें द कराटे किड फ्रेंचाइज के निर्माता के रूप में जाना जाता है और साथ ही फ्रेंच फिल्म निर्माता ल्यूक बेसन के साथ उनके बाद के सहयोगों के लिए भी जाना जाता है जिसमें द फिफ्थ एलिमेंट मूल रूप से बेसन द्वारा तैयार और ट्रांसपोर्टर और टेकन फ्रेंचाइज की पटकथा शामिल है वह अब कैलिफोर्निया के सोनोमा के पास अपने अंगूर के बागों से शराब का उत्पादन करते हैं प्रारंभिक जीवन और शिक्षा कामेन का जन्म उन्नीस में हुआ था वे न्यूयॉर्क शहर के ब्रोंक्स में पले बढ़े एक उन्होंने उन्नीस में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की दो उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अमेरिकी अध्ययन में पीएचडी प्राप्त की आजीविका कामेन फ्रांसीसी लेखक और निर्देशक ल्यूक बेसन के लगातार सहयोगी एस जिन्होंने द फिफ्थ एलिमेंट द ट्रांसपोर्टर और टेकन सीरीज का सहनिर्माण किया था दोनों ने पहली बार नताली पोर्टमैन और जीन रेनो थ्रिलर द प्रोफेशन पर एक साथ काम किया था द फिफ्थ एलिमेंट की सफलता के बाद बेसन ने कामेन को यूरोप में एक मिनी स्टूडियो बनाने के अपने लक्ष्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया ऐसी फिल्में जो यात्रा करेंगी अंतर्राष्ट्रीय फिल्में आप एक्शन फिल्में फॉर कराटे खिलाड़ी कराटे किड कामेन के जीवन पर आधारित एक अर्धात्मक कहानी है जब कामेन सत्रह साल के थे तो उन्नीस के न्यूयॉर्क विश्व मेले के बाद गुंडों के एक गिरोह ने उनकी पिटाई कर दी थी इस प्रकार उन्होंने खुद का बचाव करने के लिए मार्शल आर्ट का अध्ययन करना शुरू कर दिया पांक कामेन अपने पहले शिक्षक से नाखुश थे जिन्होंने हिंसा और बदला लेने के लिए मार्शल आर्ट को एक उपकरण के रूप में सिखाया था पांक वह एक शिक्षक के तहत तोकिनावान गोजुर्यू कराटे का अध्ययन करने चले गए जो अंग्रेज़ी नहीं बोलते थे लेकिन खुद चोजुन मियागी के छात्र थे पांच हॉलीवुड के पटकथा लेखक के रूप में कामेन को फ़्रैंक प्राइस ने सलाह दी थी जिन्होंने उन्हें बताया कि निर्माता जेरी वेनेट्रोब ने एक एकलमा के छोटे बच्चे के बारे में एक समाचार लेख का विकल्प चुना था जिसने परोस के गुंडों से खुद का बचाव करने के लिए ब्लैक बेल्ट अर्जित किया था फिर कामेन ने अपने जीवन की कहानी को समाचार लेख के साथ जोड़ा और दोनों का उपयोग द कराटेकिड की पटकथा बनाने के लिए किया पॉन्ट डीसी कॉमिक्स में कराटे किड नाम का एक पात्र था फिल्म निर्माताओं को पहली फिल्म और बाद की अगली कड़ी के लिए शीर्षक का उपयोग करने के लिए उन्नीस में डीसी कॉमिक्स से विशेष अनुमति मिली सेक्स अंगूर के बागों 1980 में अपनी पहली पटकथा जो कभी निर्मित नहीं हुई के लिए एक लाख पैंतीस हज़ार डॉलर का भुगतान किए जाने के बाद कामे नेचेक का उपयोग कैलिफ़ोर्निया के, के सोनोमा काउंटी में सोनोमा के उत्तर में माया कामास पहाड़ों की पश्चिमी झलानों पर 280 एकड़ चट्टानी भूमि खरीदने के लिए किया उन्होंने उन्नीस में छियालीस एकड़ जमीन को अंगूर के बाग में बदलने के लिए वाइन ग्रोवर कोटूरी को काम पर रखा उन्नीस में पहले अंगूर स्थानीय वाइन मेकर्स को बेचे गए उन्नीस में आग लगने से आधा अंगूर का बाग नष्ट हो गया कामेन ने अंगूर के बाग को फिर से लगाया और 1999 में उन्होंने अपनी पहली कामेन ब्रांडेड वाइन कैबरनेट सोविनन की बोतलें भरीं। 2002 में कामेन ने अपनी वाइन तैयार करने के लिए मार्क हेरोल्ड को काम पर रखा सेवन फिल्मोग्राफी रेखक टैप्स उन्नीस सौ इक्यासी स्प्लिट इमेज उन्नीस सौ बयासी

लेलन जोन्स और सर जन्म 6 अगस्त 1960 एक अमेरिकी अभिनेता निर्देशक और लेखक है 1991 में अपनी शुरुआत के बाद से वे कई फिल्म और टेलीविजन भूमिकाओं में नजर आए हैं जिनमें टेलीविजन सीरीज ई आर दो शून्य शून्य चार शून्य नौ में लुसियन डुबेंको रेड ओनोवन दो शून्य एक पांच सोलह में फादर रोमेरो अमेरिकन जिगोलो दो शून्य दो दो वर्तमान में रिचर्ड स्त्रेटन और टेकन फिल्म सीरीज दो शून्य शून्य आठ चौदह में सैम गिलरोय शामिल है वे अभिनेत्री जीन ट्रिपलोन के पति है वन प्रारंभिक जीवन ओरसर का जन्म 6 अगस्त 1960 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था दो उन्होंने उन्नीस में कनेक्टिकट कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और ड्रामा स्टूडियो लंदन में अभिनय का अध्ययन किया थ्री फोर आजीविका ऑर्सन ने अपने करियर की शुरुआत एक स्टेज अभिनेता के रूप में की थी और उन्नीस में द सीक्रेट रैप्चर में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए हेलेन हेस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था पांक छ उसी वर्ष उन्होंने उन्नीस में गेब्रियल फायर श्रृंखला में अपना टेलीविजन डेब्यू किया और द गोल्डन गर्ल्स चीयर्स एले लॉ द एक्सफाइल्स एनवाई पी ब्लू लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट और सीएसआई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जैसे कार्यक्रमों में दिखाई दिए उन्नीस में उन्होंने द आउटर लिमिट्स एपिसोड डिसेंट मेडो आर्थर जेलर की भूमिका निभाई वे सेवन उन्नीस में एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में नजर आए जिसे अनजाने में एक वेश्या को मारने के लिए भर्ती किया गया था उन्हें मसाज पार्लर में पागल आदमी के रूप में श्रेय दिया गया उन्होंने एलियन रिसर्जेक्शन उन्नीस में लैरी पुरविस की भूमिका निभाई उन्होंने डेनसल वॉशिंगटन थ्रिलर द बोन कलेक्टर उन्नीस में प्रतिपक्षी रिचर्ड थॉम्पसन की भूमिका निभाई 2001 में उन्होंने पर्ल हार्बर में केट बेकिंसले के चरित्र द्वारा बचाए गए एक घायल अधिकारी की भूमिका निभाई 2003 में वे मार्वल कॉमिक सुपरहीरो फिल्म डेयर दे डेविल में वेस्ले ओवेन वेल्ज के रूप में दिखाई दिए और सर स्टार थ्रेक फ्रेंचाइज में भी विभिन्न भूमिकाओं में दिखाई दिए जिनमें से एक ए स्टार थ्रेक डीप स्पेस नाइन एपिसोड द डाई इज कास्ट में रोमुलन कर्नल लोवो के रूप में एक चेंजलिंग की भूमिका निभाना और एपिसोड सेंचुअरी मेस्क्रियन जाति के सदस्य के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाना उन्होंने स्टार थ्रेक वॉ एपिसोड रिवलशन में एक होमिसाइडल होलोग्राम की भूमिका भी निभाई स्टार थ्रेक एंटरप्राइज में उन्होंने टाइम ट्रेवल एपिसोड कारपेंटर स्ट्रीट में लुमिस का किरदार निभाया सेवन उन्होंने ड्रामा थ्रिलर फिल्म फॉल्स में एंसल का किरदार निभाया शून्य चार शून्य नौ से उन्होंने ईआर पर सर्जरी के प्रमुख डॉ लुसियन डुबेंको की भूमिका निभाई जो एक आवर्ती चरित्र है हाल ही में वह टेकन फिल्म श्रृंखला की तीनों फिल्मों में सैम के रूप में दिखाई दिए है दो में ओरसर ने फिल्म मॉर्निंग के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की व्यक्तिगत जीवन और ने उन्नीस में रोमा डाउनी से शादी की उन्नीस में उनका तलाक हो गया 2000 में उन्होंने जीन ट्रिपलहोर्न से शादी की उनका एक बेटा है वन फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स उन्नीस मुख्य कहानी जूलियन उन्नीस बेबी फेस नेल्सन बेनी बेक्स्ट मृत बिल्ला पेलमैन अचमा अच्छा really. कैडिलैक में लड़की प्रयुक्त कार विक्रेता सात मसाज पार्लर में पागल आदमी स्टीफन डगरेस्कॉथ जन्म 26 नवंबर उन्नीस एक एक स्कॉटिश अभिनेता है वह एवर आफ्टर उन्नीस मिशन इम्पॉसिबल दो, दो हजार एनिग्मा दो हजार एक रिप्ले गेम, दो हजार दो हिटमेन दो हजार सात और माई वीक विद मर्लिन, दो हजार ग्यारह फिल्मों में नज़र आ चुके हैं स्कॉटिश क्राइम ड्रामा सीरीज़ क्राइम 2021 में अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार और बाफ्टा से सम्मानित किया गया है प्रारंभिक जीवन स्कॉट का जन्म ग्लेन रोत्स स्कॉटलैंड में हुआ था वे एल्मा नामक एक नर्स के बेटे थे और एलन स्कॉट रेफ़्रिजरेटर और फ्रीजर के ट्रैवलिंग सेंसमिन और भूतपूर्व अभिनेता थे इसके बाद उन्हें फिफ्थ कॉलेज के किरकके कैंपस में पूर्णकालिक अभिनय और प्रदर्शन पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला आजीविका स्कॉट ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत राष्ट्रीय रंगमंच टेलीविज़न और कठपुतली शो से की थी वह टेलीविज़न श्रृंखला सोल्जर सोल्जर में अपनी पहली भूमिका में दिखाई दिए और ट्विन टाउन में अपनी फिल्मी शुरुआत की उनकी पहली प्रमुख फिल्म भूमिकाएं एवर आफ़्टर में प्रिंस हेनरी और रॉबर्ट टेरिस के उपन्यास एनिग्मा के फिल्म रूपांतरण में नायक की थीं उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल दो में खलनायक की भूमिका निभाई और टॉम क्रूज द्वारा ऐसा करने के लिए चुना गया था उन्हें एक स्मेन के फीचर फिल्म संस्करण में वुलवरिन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था लेकिन मिशन इम्पॉसिबल दो तय समय से आगे बढ़ गया और पीछा करने वाले दृश्य की शूटिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में वह घायल हो गए उन्हें इस परियोजना से बाहर होना पड़ा और उनकी जगह एक स्मेन में ह्यूग जैकमैन को लिया गया Two, 2002 में डाई अंदर डे की रिलीज के बाद स्कॉट जेम्स बॉन्ड के रूप में पियर्स ब्रॉसन की जगह लेने के लिए उम्मीदवार थे चार कई रिपोर्टों के बावजूद कि ईन प्रोडक्शंस शून्य शून्य सात एडवेंचर कैसीनो रोयाल में स्कॉट को नए बॉन्ड के रूप में नामित करने की ओर झुक रहा था भूमिका अंत डेनियल क्रेग के पास गई जनवरी 2006 में वह मूसा के रूप में मिनी सीरीज द टेन कमांडमेंट्स में दिखाई दिए वह एनबीसी सीरीज हीस्ट में भी दिखाई दिए जो मार्च 2006 में पांच एपिसोड के लिए प्रसारित हुआ था 2006 से 2007 तक उन्होंने टेरी एचर के चरित्र की नई प्रेमिका के रूप में डेस्परेट हाउसवाइफ्स के तीसरे सीजन में अभिनय किया 2007 में उन्होंने हितमैन वीडियो गेम पर आधारित फिल्म हितमैन मई दो में यह घोषणा की गई कि वह नए आरटीई आईटीवी नाटक फादर एंड सन में पूर्व कैदी माइकल ओकॉर्नर की भूमिका निभाएंगे स्कॉट ने द डे ऑफ द ट्रिफिट्स में अभिनय किया पांक नाटक को दिसंबर 2009 में बीबीसी एक क्रिसमस शेड्यूल के हिस्से के रूप में प्रसारित किया गया था छह दो में स्कॉट ने अपनी पत्नी क्लेयर फोरलानी के साथ फिल्म लव्स किचन में अभिनय किया अप्रैल 2011 में स्कॉट ने बीबीसी टीवी नाटक यूनाइटेड में फुटबॉल मैनेजर मैट बुस्बी का किरदार निभाया जो उन्नीस के म्यूनिक हवाई दुर्घटना पर केंद्रित था जिसमें बुसबी बुरी तरह घायल हो गए थे लेकिन बच गए 2013 में उन्होंने डॉक्टर हुए एपिसोड हाइड में पैरासाइकोलॉजिकल रिसर्चर और हंटर एलेक पामर के रूप में अतिथि भूमिका निभाई 2014 में स्कॉट ने टेकन तीन में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई सेवन मार्च 2016 में स्कॉट तेल और गैस कंपनी बीपी के विज्ञापनों में उर्बी की आवाज बन गए एट अप्रैल 2016 में स्कॉट फियर द दे वॉकिंग डेड के दूसरे सीजन में थॉमस एबिगेल विक्टर स्ट्रैंड के बिजनेस पार्टनर और प्रेमी के रूप में दिखाई दिए दो हजार में स्कॉट सीडब्ल्यू सीरीज बैटवुमन में जैकब केन के रूप में शामिल हुए जो शीर्षक चरित्र के पिता थे जो एरोवर्स में सेत थे उन्होंने दूसरे सीजन के दौरान सीरीज छोड़ दी दस वह क्राइम शो में दिखाई दिए जिसके लिए उन्हें बाफ्टा और इंटरनेशनल लेमी मिला 2010 में डगरे स्कॉट व्यक्तिगत जीवन स्कॉट पूर्व पत्नी सारा ट्रेविस के साथ जुड़वा बच्चों के पिता एस जन्म उन्नीस ग्यारह आठ जून दो हज़ार सात को उन्होंने इटली में अभिनेत्री क्लेयर फोरलानी से शादी की बारह उनका एक बेटा है तेरह जिसका जन्म सत्ताईस दिसंबर दो हज़ार चौदह को हुआ स्कॉट हाइबर्नियन फुटबॉल क्लब का प्रशंसक है जो उसके दादाजी के टीम के स्काउट होने से है फोर्टीन राजनीति स्कॉट स्कॉटिश स्वतंत्रता के पक्ष में एच बहुत से लोग हमेशा यही सवाल पूछते हैं कि स्कॉटलैंड अपने खर्चे कैसे उठा सकता है यह सवाल पूछने का नहीं है हम खुद की देखभाल कर सकते हैं हम पूरी तरह से इरनब्रू के मुनाफ़े के आधार पर अंग्रेज़ों से आगे निकल सकते हैं उन्होंने द बिग इश्यू से कहा सवाल यह है कि क्या देश की अपनी सरकार होने से देश को बेहतर लाभ होगा हमारे पास दुनिया के बारे में एक खास दृष्टिकोण है यही वजह है कि मुझे लगता है कि स्वतंत्रता होना समयदारी है और हमारे पास बताने के लिए कई बेहतरीन कहानियां हैं फिफ्टीन फिल्मोग्राफी सैम प्रोएल जन्म एक जनवरी उन्नीस सौ सतहत्तर लंदन में एक ब्रिटिश चरित्र अभिनेता है जो ज्यादातर खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं वन प्रारंभिक जीवन और शिक्षा स्प्रुएल ने अभिनय की ओर रुख करने से पहले हल विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उनकी माँ अभिनेत्री लिंडा ब्रोटन एच आजीविका। थिएटर उन्होंने रॉयल नेशनल थिएटर के साथ अपना स्टेज डेब्यू किया वे द केयरटेकर ट्राफलगर स्टूडियो में पोर्नोग्राफी ट्राइसिकल द अल्केमिस्ट और द लाइफ ऑफ गैलीलियो द नेशनल किंग लियर शेफील्ड क्रूसिबल ओ रॉयल एक्सचेंज ए मिडसमर नाइट स्ट्रीम दे शूट होर्स डोंट दे और पिप्पिन ब्लूमसबरी थिएटर और अन्य जगहों पर दिखाई दिए है त्रे सिनेमा स्प्रुएल की पहली स्क्रीन उपस्थिति दो हजार दो में कैथरीन बिगेलो की पंडुब्बी द्रामा के उन्नीस दविडोमेकर में आई थी उनकी फिल्म क्रेडिट में टू किल ए किंग दो हजार तीन लंदन टू ब्राइटन दो हजार छह एलिजाबेथ द गोल्डन एज दो हजार सात द हर्प लॉकर दो हजार आठ डिफाइंस 2008 और अन्य शामिल है उन्होंने विंस की कहानी पर आधारित 2015 की फिल्म में हिटमैन जैक द एल्थ मैकविटी का किरदार निभाया था 2012 में स्प्रुएल ने स्नो व्हाइट एंड द हंसमेन फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई जिसमें वह हीविल क्रीन के भाई की भूमिका में थे जिसे चार्लिस थेरोन ने निभाया था वन टेलीविजन उनकी टेलीविजन भूमिकाओं में स्पूक्स में जेसन बेलिंग का आवर्ती कैमियो 2007 में एपिसोड 6.9 और 2004 में प्रोजेक्ट फ्रेंडली फायर और पाओ 2003 में विल्क्स की आवर्ती भूमिका शामिल है मार्च 2013 में वह बीबीसी वन थ्रिलर ड्रामा सीरीज मेडे में मुख्य भूमिकाओं में से एक में दिखाई दिए उन्हें बाद में वर्ष में द लास्ट शिप के टेलीविजन रूपांतरण में कास्ट किया गया 2015 में स्प्रुएल ने टेकन तीन में द्वितीय खलनायक ओलेग मालनकोव की भूमिका निभाई और फिर एपिसोड एक दशमलव दो में ड्रामा सीरीज लूथर में ओवेन लिंच की भूमिका निभाई डॉक्टर की तेरहवीं सीरीज में स्प्रुएल ने स्वार की भूमिका निभाई दो हजार तेईस में उन्होंने फार्गो सीरीज के पांचवें सीजन में ओले मंच के रूप में अभिनय किया जो एक अमर किराए के बंदूकधारी व्यक्ति है जो समय और समाज के नियमों से बाहर मौजूद है विरोधाभासों का संग्रह पांच जून 2024 में यह घोषणा की गई कि स्प्रुएल आगामी सीरीज ए नाइट ऑफ द सेवन किंगरन्स में मेकर टारगेरियन का किरदार निभाएंगे खै okay. फिल्मोग्राफी के उन्नीस द विडोमेकर दो हज़ार दो दिमित्री नेवस्की के रूप में राजा के रक्षक के रूप में टू किल ए किंग दो हज़ार तीन लंदन टू ब्राइटन दो हज़ार एलन के रूप में वीनस दो हज़ार छ अस्पताल निदेशक के रूप में टिकटॉक लुलबी दो 2007 स्टीव के रूप में एलिजाबेथ द गोल्डन एज 2007 टॉर्चर करने वाली के रूप में द हर्ट लॉकर 2008 हजार आठ कॉन्ट्रैक्टर चार्ली डिफायंस दो हजार आठ लुब्जांसकी के रूप में लूथर 2010 हजार दस ओवेन लिंच के रूप में हेलो कार्टर हजार ग्यारह जेक के रूप में स्नो हाइट एंड द हंसन दो हजार बारह फिन के रूप में द काउंसलर 2013, हजार तेरह वायरमैन के रूप में स्टारड अप दो हजार तेरह के रूप में सोलह लियाम के रूप में कंपनी ऑफ हीरोज दो हजार तेरह सार्जेंट मैथर्सन के रूप में गुड पीपल दो हजार चौदह जैक विटकोवस्की के रूप में द लास्ट दो हजार चौदह क्विंसी टोफेट टेकन तीन दो हजार चौदह ओलेग मालनकोव के रूप में द बास्टर्ड एग्जीक्यूशन 2015 हजार पंद्रह तोरन प्रिचर्ड मार्शल द सोल्जर के रूप में चाइल्ड चवालीस दो हजार पंद्रह डॉक्टर टाइपकिन के रूप में लीजेंड दो हजार पंद्रह जैक द एर्थ मैक्विटी के रूप में नासा मनोवैज्ञानिक के रूप में द मार्टियन दो हजार पंद्रह द लेडी इन द वैन दो हजार सोलह एक अन्य युवक के रूप में वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ अ थाउजेंड प्लेनेट्स दो हजार सत्रह जनरल ओक्टो बारी के रूप में सेंट कैसल 2017 प्रथम लेफ्टिनेंट एंथनी के रूप में द वर्ल्ड इज योर्स 2018 ब्रूस के रूप में आउटलॉ किंग हजार अठारह एमर डी वैलेंस पेमब्रोक के दूसरे आर्ला द इन्फॉर्मर 2019 हजार स्लीविट के रूप में स्मल एक्स मैंग्रोव 2020 पीसी फ्रैंक पुली के रूप में द नॉर्थ वॉटर 2021 हजार इक्कीस कैवेंडिज के रूप में डॉक्टर हु 2021, हजार के रूप में द अमेजिंग मिस्टर ब्लंडेन, 2021, हजार बर्टी के रूप में द हैंगिंग सन 2022, हजार आरोन और निकोलस के रूप में फार्गो 2023, ओले मंच के रूप में द सेटलर्स 2023, कर्नल मार्टिन के रूप में संदर्भ मार्गरेट ग्रेस डेनिक जन्म 21 सितंबर उन्नीस सौ एक अमेरिकी अभिनेत्री है उन्हें एबीसी टेलीविज़न सीरीज लॉस्ट 2004 से 2006, 2010 में शैनन रदरफोर्ड टेकन थ्रीलॉजी 2008 से 2014 हज़ार चौदह में किम मिल्स द ट्वाइलाइट सागा दो से दो में इरीना और फियर द दे वॉकिंग डेड 2018 से 2021 में अल्थिया सिर्स की प्रिजगोकी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है ग्रेस ने 2002 में टेलीविजन फिल्म मर्डर इन ग्रीनविच में पन्द्रह वर्षीय हत्या की शिकार मार्था मोक्सली की भूमिका के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया 2004 में उन्हें टेलीविजन सीरीज लॉस्ट में शैनन अदरफोर्ड के रूप में लिया गया जिसके पहले दो सीजन में वे मुख्य कलाकार थीं और उन्होंने कलाकारों की टुकड़ी के साथ स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता सीरियो छोड़ने के बाद ग्रेस फिल्मों में ज्यादा प्रमुखता से काम करने की इच्छुक थीं वे द जेन ऑस्टेन बुक क्लब 2007 में और 2008 में टेकन में लियाम नीसन के साथ किम मिल्स के रूप में नज़र आईं उन्होंने टेकन दो 2012 और टेकन तीन 2014 में किम की भूमिका को दोहराया उन्होंने लुइस कैरोल के, के उपन्यास एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड पर आधारित मालिस इन वंडरलैंड में मुख्य भूमिका एलिस की भूमिका निभाई क्रेस ने लॉस्ट के दो और एपिसोड में शैनन की भूमिका दोहराई जिसमें श्रृंखला का समापन भी शामिल है 2013 में वह कैलिफोर्निकेशन के छठे सीजन में दिखाई दी उन्होंने फेथ एक समूर और सितारों की प्रेरणा का किरदार निभाया जो डेविड डचोवनी द्वारा निभाए गए एंक मूडी का ध्यान आकर्षित करती है वह 2018 में फियर द दे वॉकिंग डेड सीरीज के कलाकारों में अल्थिया नामक एक पत्रकार के रूप में शामिल हुई प्रारंभिक जीवन मार्गरेट ग्रेस डेनिक का जन्म ओहियो के वर्थिंगटन में वेलिन नी एवरेट और फ्रेड डेनिक के घर हुआ था जो एक पारिवारिक आभूषण व्यवसाय चलाते थे दो उन्होंने किंडरगार्टन से नेविंग कक्षा तक वर्थिंगटन क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाई की और कुछ समय के लिए थॉमस वर्थिंगटन हाई स्कूल में भी पढ़ाई की तीन जहां उन्होंने स्कूल के नाटकों और सामुदायिक थिएटर में अभिनय करना शुरू किया चार जिसमें एक स्थानीय यहूदी सामुदायिक केंद्र में द क्रूसिबल का दो गैली प्लेयर्स प्रोडक्शन भी शामिल था एक बच्चे के रूप में ग्रेस एक उत्साही पाठक और एक स्वर्णित शेक्सपियर बेवकूफ थीन साथ लॉस एंजल्स टाइम्स को बताती है कि तेरह साल की उम्र में वह वास्तव में जेन ऑस्टेन की दीवानी थीं कुछ इस तरह जैसे कुछ बच्चे स्टार थ्रेक की दीवानी होती है साथ आजीविका ग्रेस ने लॉस एंजल्स में स्थानांतरित होने के एक सप्ताह के भीतर एक एजेंट हासिल कर लिया और अभिनय कक्षाओं में दाखिला लिया छह उन्हें राहेल के कमरे में अपनी पहली भूमिका मिली जो एक किशोर लड़की के बेडरूम के अंदर के मामलों के बारे में 2001 की वेब आधारित वीडियो श्रृंखला थी जिसे डॉसन क्रीक के कार्यकारी निर्माता पॉल स्टूपिन ने बनाया था आठ उनकी अगली भूमिका 2002 की टेलीविज़न श्रृंखला सेप्टुप्लेट्स में थी जिसे पहले एपिसोड के प्रसारित होने से पहले रद्द कर दिया गया था दो उनकी ब्रेकआउट भूमिका दो की टेलीविज़न फ़िल्म मर्डर इन ग्रीनविच में थी जो पन्द्रह वर्षीय मार्था मोक्सली की हत्या की सच्ची कहानी पर आधारित थी उन्हें टीवी मूवी मिनीस्रीज या स्पेशल लीडिंग यंग एक्ट्रेस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मुक्सली के चित्रण के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था नौ उन्होंने टेलीविजन सीरियस सीएसआई मियामी द लिव स्टेन मिरेकल्स लाइक फैमिली कोल्ड केस और लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट और फिल्म ट्वेल्व माइल रोड और क्रिएचर अननोन में छोटी भूमिकाओं में काम किया सितंबर 2012 में वर्ण बैक डायउन के न्यूअर प्रीमियर में ग्रेस 2004 के मध्य में ग्रेस के एजेंट ने उन्हें लॉस्ट के पायलट एपिसोड की स्क्रिप्ट भेजी सफल ऑडिशन के बाद उन्हें शैनन रदरफोर्ड की भूमिका दी गई दो उन्हें लॉस्ट में उनकी भूमिका के लिए दो में चोइस टीवी ब्रेकआउट परफॉर्मेंस फीमेल के लिए टीन चवाय सवार के लिए नामांकित किया गया था लेकिन डेस्परेट हाउसवाइफ्स की ईवा लोंगोरिया से हार गईं दस वह शो के पहले सीजन के फिल्मांकन के दौरान हवाई में रहती थीं और द फॉग में टॉम वेलिंग के साथ अभिनय करने के लिए साइन कीन जो कि की इसी नाम की 1980 की हॉरर फिल्म का 2005 का रीमेक था जिसमें मूल रूप से जेमी ली कर्टिस द्वारा निभाया गया किरदार था ग्यारह हालांकि लॉस्ट का फिल्मांकन द फॉग के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाना था बारह 2005 में मैक्सिम की हौथ 100 सूची में 27 पर रैंकिंग के बाद 13 वह लॉस्ट के दूसरे सीजन के लिए लौटीन सीजन के आठविंग एपिसोड कोलिजन में उनके चरित्र की हत्या कर दी गई जब श्रृंखला के लेखकों को लगने लगा कि चरित्र की कहानी के रास्ते सीमित थे कार्यकारी निर्माता कार्लटन क्यूस ने कहा कि शो से ग्रेस का जाना एक तरह से जीत जीत था क्योंकि वह फिल्म में पूर्णकालिक करियर में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थीं चौदह श्रृंखला छोड़ने के बाद वह फिर भी बारहवें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सीजन दो के अन्य प्रमुख लॉस्ट कलाकारों के साथ मंच पर शामिल हुईं जहालॉस्ट ने ड्रामा सीरीज में एक कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता फिफ्टीन वेराइटी ने मई 2005 में बताया कि ग्रेस दो शून्य शून्य छह की फिल्म एक समेन द लास्ट स्टैंड में एक समेन चरित्र किट्टी प्राइड की भूमिका निभाने के लिए बातचीत कर रही थी सोलह लेकिन जुलाई में कथित तौर पर उनके प्रतिस्थापन के लिए ऑडिशन आयोजित किए जा रहे थे सत्रह भूमिका अंत इलिय पेज के पास गई अठारह और ग्रेस ने बाद में खुलासा किया कि उनसे भूमिका के लिए कभी संपर्क नहीं किया गया था और यह पढ़कर उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह विचाराधीन भूमिका के लिए तैयार थीं उन्नीस ग्रेस की अगली भूमिका 2007 की स्वतंत्र फिल्म सबर्बन गर्ल में थी जिसमें सारा मिशेल गेलर और एलेक्स बाल्डविन थे 20 2007 में उन्होंने करें जॉय फाउलर के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित द जेन ऑस्टेन बुक क्लब में अभिनय किया वह जेन ऑस्टेन की प्रशंसक कैलरा और उन्होंने फाउलर का उपन्यास पाया था जब यह 2004 में रिलीज हुआ था जब उन्हें फिल्म की पटकथा दी गई तो उन्होंने निर्देशक रॉबिन्स विकॉर्ड से मुलाकात की जिनके बारे में उनका कहना है कि वह बहुत प्रभावित हुई और उन्हें एलेग्रा की भूमिका दी गई जो एक खुले तौर पर समलैंगिक बीस वर्षीय लड़की थी द जेन ऑस्टेन बुक क्लब का फिल्मांकन पूरा होने के बाद ग्रेस लॉस्ट सीजन तीन के एपिसोड एक सपोज में एक अतिथि भूमिका के लिए हवाई लौटिन इक्कीस उन्होंने लियाम नीसन के साथ 2008 की थ्रिलर फिल्म टेकन में अभिनय किया जो उन पुरुष अभिनेताओं की सूची में सबसे ऊपर थे जिनके साथ क्रेज काम करना चाहती थीं जिसे उन्होंने कास्ट होने से सिर्फ दो महीने पहले लिखा था 22. उन्होंने साइमन फेलो की 2009 की मालिस इन वंडरलैंड में मुख्य भूमिका निभाई जो लुईस कैरोल के एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड का आधुनिक रूपांतरण है तेईस दो में ग्रेस ने ड्रामा फ्लाइंग लेस में अभिनय किया चौबीस और जेम्स मैंगोल्ड की फिल्म नाइट एंड डे में टॉम क्रूज और कैमरन डियाज के साथ दिखाई दी पच्चीस छब्बीस ग्रेस के वेस्ट शेड्यूल ने उन्हें एल एक्स में जैनन के रूप में लौटने से रोक दिया जो लॉस के छठे और अंतिम सीजन का सीजन प्रीमियर था सत्ताईस लेकिन वह श्रृंखला के समापन द एंड के लिए लौट आई अट्ठाईस सितंबर 2010 में यह पता चला कि ग्रेस को द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डॉन भाग एक और दो में इरिना की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था ट्वेंटी नाइन दिसम्बर दो हजार बारह में यह घोषणा की गई कि ग्रेस पिकनिक में अपना ब्रॉडवे डेब्यू करेंगी नाटक चौदह दिसंबर को अमेरिकन एयरलाइंस थिएटर में प्रीव्यू के लिए खुला पुलितसर पुरस्कार विजेता नाटक में सेबेस्टियन स्टेन ग्रेस के साथ सकलाकार एट थर्डे उन्होंने जनवरी 2013 हजार तेरह में शोटाइम सीरीज कैलिफोर्निकेशन में एक अतिथि कलाकार के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की जिसमें उन्होंने रॉक एंड रोल दुनिया के लिए एक समूर और प्रेरणा की भूमिका निभाई और साथ ही डेविड डचोवनी अभिनीत मूडी की व्यक्तिगत रुचि भी निभाई दो में वह फियर द दे वॉकिंग डेड में एक पत्रकार अल्थिया की भूमिका में शामिल हुई अन्य परियोजनाएं ग्रेस कई अंतर्राष्ट्रीय फैशन पत्रिकाओं के कवर पर रही है जिनमें सेत्रड़े नाइट फेम एक वेनेडेट्स और स्पाई मैगजीन कनाडा की ग्लो और विवा, यूके की कॉस्मोग्ला ब्राजील की कैरस फ्रांस की टेली सात जर्स सिंगापुर की सोलिटेयर और रूस की कॉस्मोपोलिटन ब्यूटी शामिल है थर्डी वन व्यक्तिगत जीवन लॉस्ट पर काम करते समय ग्रेस और इयान सोमरेहेल ने रू नामक एक जंगली बिल्ली को गोद लिया जिसे उन्होंने सेट पर जंगल में सचमुच मरते हुए पाया उसने कहा कि बिल्ली अब उसकी यात्रा साथी ए बत्तीस फरवरी 2017 में ग्रेस ने एक मनोरंजन कंपनी के सीईओ ब्रेंड बुशनेल से सगाई कर ली तैतीस चौतीस उनकी शादी 28 मई 2017 को हुई थी पैंतीस दंपति का पहला बच्चा एक बेटा 2020 में पैदा हुआ था 36 सेक्स ग्रेस अक्सर अपनी प्रेरणा का स्रोत अपनी मां को मानती है जब उनसे उनके सबसे करीबी दोस्त के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह और उनकी मां बहनों की तरह है और वह एक असाधारण शांत माँ पाकर भाग्यशाली है 37 वह एक स्वघोषित एंग्लोफाइल है। आठ साल की उम्र से लेक डिस्ट्रिक्ट में एक पेनपाल को पत्र लिखती रही है और विलियम शेक्सपियर सहित कई अंग्रेजी कवियों की प्रशंसक है वह तेरह साल की उम्र में पहली बार इंग्लैंड गई थी अड़तीस वह खुद को बहुत अनि कहती है हर समय अपने पैरों पर ठोकर खाने का दावा करती है उनतालीस और उनके पूर्व सहकलाकारों में से एक ने उन्हें मजाक में मैगी ग्रेसलेस उपनाम दिया था फोर्डे फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2002 हजार दो शॉप क्लब टू थाउजेंड फोर में अज्ञात दो हजार पांच कोहरा एलिजाबेथ विलियम्स दो हजार सात सेन ऑस्टेन बुक क्लब अलेग्रा उपनगरीय लड़की क्लो दो हजार आठ लिया किम मिल्स दो हजार नौ वंडरलैंड में द्वेश एलिस दो हजार दस प्रयोग खारी और तेज लिली उड़ान का पाठ सोफी कॉनवे नाइट और दिन अप्रैन हेवेन्स दो हजार ग्यारह द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डॉन भाग एक इरीना, दो हजार बारह एनी पार्कर को डिकोर करना सारा लोक आयुत एमिली वार्नक लिया गया दो किम मिल्स डी ब्रेकिंग डॉन पार्कना फेम के बेमर जेनसेन तीन डच उच्चारण एफ एम के बी एम आर जेएनएस एन जन्म पांच नवंबर उन्नीस सौ चौसठ चार पांच छ एक डच अभिनेत्री और पूर्व मॉडल है उन्होंने गोल्डन आई उन्नीस सौ पंचानवे एक समेन फिल्म सीरीज 2000 से 2014 हजार चौदह में जीन ग्रे फीनिक्स और टेकन फिल्म ट्रायोलॉजी 2008 से 2014 हजार चौदह में लेनोर मिल्स की भूमिका निभाई 2008 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा ईमानदारी के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था उन्होंने 2011 में ब्रिंगिंग बोबी के साथ निर्देशन में पदार्पण किया वह नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला हेमलॉक ग्रोव (2013 से 2015), हजार के निपटक दो से 2010) और एबीसी के हाउ टू गेट अवे विद मर्डर 2014 से 2020 में अपनी भूमिकाओं के लिए भी जानी जाती है जैनसेन ने 2017 हजार सत्रह एमबीसी क्राइम थ्रिलर द ब्लैकलिस्ट रिडेम्पशन में अभिनय किया प्रारंभिक जीवन फिल्म के बेमर जैनसेन तीन का जन्म उन्नीस सौ कौसठ सात में नीदरलैंड के एमसेटेलवीन में हुआ था आठ नौ उनकी दो बहनें हैं। निर्देशक एंटोनेट बेमर और अभिनेत्री मार्जोलिन बेमर दोनों ने अपने माता पिता के तलाक के बाद अपना उपनाम बदलकर बेमर रख लिया ठैन अपनी मूल डच भाषा के अलावा जेनसेन अंग्रेजी और फ्रेंच भी बोलती है उन्होंने जर्मन भाषा सीखी, लेकिन उसे जारी नहीं रख पाई ग्यारह स्कूल से स्नातक होने के बाद जैनसेन ने एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में एक साल तक अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जिसे बाद में उन्होंने मेरे दिमाग में आया सबसे बेवकूफी भरा विचार कहा दस उन्नीस के दशक की शुरुआत में उन्होंने रचनात्मक लेखन और साहित्य का अध्ययन करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जनरल स्टडीज में दाखिला लिया 12, 13, आजीविका इस अनुभाग को अपडेट करने की आवश्यकता है कृपया इस लेख को हाल की घटनाओं या नई उपलब्ध जानकारी को दर्शाने के लिए अपडेट करने में सहायता करें अगस्त 2024, 1980 से 1990 का दशक उन्नीस में जैनसेन एक फ़ैशन मॉडल के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं उन्होंने एलिथ मॉडल मैनेजमेंट के साथ अनुबंध किया और यवे सेंट लॉरेंथ जियोजियो अरमानी चैनल और विक्टोरिया सीक्रेट के लिए काम किया उन्होंने 1988 में कोटी के परफ्यूम एक्सक्लेमेशन के विज्ञापन में अभिनय किया चौदह उनके लुक की तुलना 1940 के दशक के हेडी लैमर जैसे फिल्मी सितारों से की जाती है एठ उन्नीस के दशक की शुरुआत में मॉडलिंग से संन्यास लेने के बाद जैनसेन ने कई टेलीविजन सीरीज में अतिथि भूमिकाएं निभाई जिसमें उन्नीस के स्टार थ्रेक द नेक्स्ट जेनरेशन एपिसोड द परफेक्ट मेथ में एक प्रमुख भूमिका शामिल थी जिसमें पैट्रिक स्टीवर्ट के विपरीत सहानुभूतिपूर्ण मेटामोर्फ कमला के रूप में जिसके साथ उन्होंने बाद में एक समेन फिल्म सीरीज में अभिनय किया आठ उसी वर्ष जैनसेन को स्टार थ्रेक डीप स्पेस नाइन में जर्जिया डेक्स की भूमिका की पेशकश की गई थी पन्द्रह लेकिन फिल्म भूमिकाओं को आगे बयाने के लिए इसे कुकरा दिया उनकी पहली फिल्म भूमिका उन्नीस सौ बानवे की क्राइम ड्रामा फिल्म फादर्स एंड सन्स में जेफ कोल्डब्लम के साथ थी 2008 में जेनसेन उन्नीस सौ पंचानवे में जेनसेन पियर्स ब्रॉसन की पहली जेम्स बॉन्ड फिल्म गोल्डन आई में फेम फेटे जेनिया ओनातोब के रूप में दिखाई देन वह स्कॉट बकुला के साथ लॉर्ड ऑफ इल्यूजन में दिखाई दीन बॉन्ड गर्ल के प्रदर्शन के बाद टाइपकास्टिंग के खिलाफ लड़ने के प्रयास में जेनसेन ने अधिक आकर्षक सहायक भूमिकाएं तलाशनी शुरू कर दीं वह जॉन इरविन की सिटी ऑफ इंडस्ट्री बुडी एलेन की सेलिब्रिटी रॉबर्ट वल्टमैन की द जिंजर ब्रेडमैन और टेड डेम की मोन्यूमेंट एवेन्यू में दिखाई दीं सोलह मोन्यूमेंट एवेन्यू में उनके सहकलाकार डेनिस लेरी इस बात से प्रभावित हुए कि वह कितनी आसानी से किरदार में गुल मिल गईं शुरू में उन्हें पहचान नहीं पाए क्योंकि वह पहले से ही किरदार में थीं। थी एक समेन फिल्में 2000 में जेनसेन ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स की फिल्म एक समेन में सुपरहीरो डॉ जीन ग्रे का किरदार निभाया था बाद में उन्होंने 2003 की सीक्वल एक्स दो में भूमिका दोहराई जहां उनके चरित्र में बढ़ती शक्तियों के संकेत दिखते हैं, लेकिन फिल्म के अंत में वह संभवतः मार दी जाती है जैनसेन जीन के रूप में लौटती है जिनकी एक दो में मृत्यु ने एक द लास्ट स्टैंड 2006 में उनके अंधेरे वैकल्पिक व्यक्तित्व फीनिक्स को जगा दिया उस भूमिका के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का सेटन पुरस्कार जीता सत्रह वह 2013 की फिल्म द वुलवरिन में वुलवरिन के एक मतिग्रम के रूप में जीन के रूप में लौटीन 18 इसके बाद एक समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2014 2002 में जैनसेन को मेन इन ब्लैक टू में खलनायका सेरलेना की भूमिका मिली लेकिन अपने परिवार में एक मौत के कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी और उनकी जगह लारा फ्लिन बॉयल ने ले ली इक्कीस जैनसेन की टीवी सीरीज निप तक के दूसरे सीजन में एक प्रमुख भूमिका थी जिसमें उन्होंने मोहक और चाला की पूइन जीवन कोच एवा मूर की भूमिका निभाई जिसने उन्हें हॉलीवुड लाइफ के ब्रेकथ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा बाईस उन्होंने श्रृंखला के अंतिम दो एपिसोड में अपनी भूमिका दोहराई दो में उन्होंने टर्न द रिवर में अभिनय किया जिसके लिए उन्हें पटन इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल में स्पेशल रिकॉग्निशन बेस्ड एक ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया तेईस अगले वर्ष उन्होंने ल्यूग बेसन की टेकन में अभिनय किया जैनसेन ने टेलीविज़न में काम करना जारी रखा एनबीसी के पुलिस ड्रामा विंटर्स और शो टाइम के द फार्म के लिए टीवी पायलटों में दिखाई दिए जो एक महिला जेल में सेट द एल वर्ड का स्पिन ऑफ था दोनों पायलटों को उनके नेटवर्क द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था जैनसेन ने सभी डिज्नी थीम पार्कों में स्टूडियो थ्राम टूर के लिए डच भाषा का वर्णन प्रदान किया सिक्सटीन दो में जैनसेन ने ड्रामा ब्रिंगिंग का कब्बोबी के साथ निर्देशन की शुरुआत की उन्होंने फिल्म की पटकथा लिखी जिसमें मिला जोवोविच बिल पुलमैन और मार्सिया क्रॉस ने अभिनय किया 24. उन्होंने टेकन दो 2012 और टेकन तीन 2014 में लेनोर मिल्स के रूप में अपनी भूमिका दोहराई उन्होंने हिंसल एंड ग्रेटेल विच हंटर्स दो में मुख्य खलनायक मेक्रियल की भूमिका निभाई 2016 में जैनसेन जॉनसेन ने नेटफ्लिक्स की मूल हॉरर थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला हेमलॉक ग्रोव में अभिनय किया जिसमें उन्होंने परिवार की कुल माता ओलिविया गॉडफ्रे की भूमिका निभाई पच्चीस जॉनसेन की एबीसी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन सीरीज हाउ टू गेट अवे विद मर्डर में एक आवर्ती भूमिका थी जो पूरी श्रृंखला में दस एपिसोड में दिखाई दी शो के सीजन दो में उनकी भूमिका शुरू हुई और श्रृंखला के समापन में इसका समापन हुआ मार्च 2016 में जेनसेन को एनबीसी क्राइम थ्रिलर द ब्लैकलिस्ट रिडेम्पशन में मुख्य भूमिका में लिया गया जो एनबीसी सीरीज द ब्लैकलिस्ट का स्पिन्फ था छब्बीस इसे मई दो में सीरीज में शामिल किया गया सत्ताईस अगले महीने जेनसेन ने एक समेन एपोकैलिप्स में कास्ट न किए जाने पर निराशा व्यक्त की उन्होंने कहा कि हॉलीवुड बड़ी उम्र की महिलाओं के प्रति सेक्सिस्ट है उसने कहा महिलाएं यर दिलचस्प है क्योंकि उन्हें बदल दिया गया है और पुराने संस्करणों को फिर कभी नहीं देखा जाना चाहिए जबकि पुरुषों को दोनों उम्र के होने की अनुमति है ट्वेंटी एट में उन्होंने ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल के लिए जूरी के रूप में काम किया उन्तीस इसके अलावा 2019 में जेनसेन जेफरी डीन मॉर्गन के साथ द तो पोस्टकार्ड किलिंग्स में शामिल हुई जो 2020 में रिलीज हुई थी अतीस 2021 में जैनसेन ने क्रिश्चियन रोमांटिक ड्रामा फिल्म रिडीमिंग लव इकतीस और एक्शन थ्रिलर डेंजरस में अभिनय किया तो मार्च दो मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में उन्होंने फोर्ड्स को सेंट सेया एक लोकप्रिय एनिमे और मंगा के लाइव एक्शन रूपांतरण के साथ अपनी भागीदारी के बारे में कुछ विवरण बताए जैनसेन ने घोषणा की कि पिछले साल यूरोप में फिल्मांकन होना था लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पादन दो बार स्थगित कर दिया गया था उसने यह भी संकेत दिया कि वह मुख्य पात्रों में से एक की भूमिका निभाएगी लेकिन उसने उनका नाम नहीं बताया तरी सक्रियतावाद दो में पशु अधिकारों के प्रति जागरूकता बयाने के लिए पेटा द्वारा चलाए गए अभियान में जैनसेन अपने कुत्ते लिकोरिस एक ब्रिंडल बोस्टन टेरियर के साथ दिखाई दीन अभियान में पशुओं के लिए एक देवदूत बने का नारा दिया गया था चौंतीस अट्ठाईस जनवरी 2008 को उन्हें नुसा दुआ बाली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के लिए ईमानदारी के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था थर्टी व्यक्तिगत जीवन उन्नीस में जैन सेन ने लेखक और निर्देशक किप विलियम्स से शादी की जो आर्किटेक्ट टॉर्ड विलियम्स के बेटे थे 2000 में उनका तलाक हो गया 9, उसने कहा है कि वह बच्चे नहीं चाहती 36. फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट उन्नीस सौ बानवे पिता और पुत्र काइल क्रिश्चियन उन्नीस सौ चौरानवे अथक फोर रात से रात तक डॉ सारा ली जाफी तायर टू वीडियो फिल्म उन्नीस सौ चौरानवे दिन के हिसाब से मॉडल एक्स बटा लेडी एक्स टेलीविजन फिल्म उन्नीस सौ पंचानवे भ्रम के भगवान डोरोथिया स्वान उन्नीस सोने की जेनिया ओनाटोप उन्नीस सौ छियानवे मृत लड़की खजाना उन्नीस सौ सत्तानवे शहर के उद्योग राचेल मोन्टाना नाइनटीन नाइनटी एट्स मार्क केटी ओकनर उन्नीस सौ अट्ठानवे जिंजरब्रेड मैन लियन मैग्रोडर। उन्नीस सौ अट्ठानवे गहरा उदय ट्रिलियन सेंट जेम्स उन्नीस सौ अट्ठानवे आरपीएम क्लाउडिया एग्स उन्नीस सौ अट्ठानवे एक प्रकार का खेल उन्नीस सौ अट्ठानवे प्रसिद्ध व्यक्ति बोनी भिटेकर ने 1990 के दशक में कई जाने माने निर्देशकों के साथ काम करना जारी रखा उन्होंने 1990 की फिल्म डाउनटाउन में अभिनय किया और उन्नीस की फिल्म द क्राइंग गेम में एक बंदी ब्रिटिश सैनिक जोड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका में थे जिसके लिए उन्होंने अंग्रेजी उच्चारण का इस्तेमाल किया वैरायटी के टॉड मैकार्थी ने भिटेकर के प्रदर्शन को बड़े दिलवाला बेहद भावुक और बस भयानक बताया अठारह वह उस कलाकार समूह का सदस्य थे जिसने उन्नीस में रॉबर्ट ऑल्टमैन की फिल्म प्रेटे पोर्टर के लिए एक समूह द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए पहला नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू अवार्ड जीता था उन्नीस में उन्होंने वेन वांग और पॉल ऑस्टर की स्मोक में विशेष रूप से भावनात्मक प्रदर्शन उन्नीस दिया और विज्ञानकथा फिल्म स्पीशीज में दिखाई दिए उन्नीस सौ में उन्होंने जॉन ट्रावोल्टा और रॉबर्ट डुवेल के साथ फेनोमेन में एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसने उन्हें पसंदीदा सहायक अभिनेता ड्रामा के लिए ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट अवार्ड दिलाया और उन्हें मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए नाक इमेज अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया भिटेकर पेरिस में फिल्म माई ओन लव सॉन्ग प्रस्तुत करते हुए दो उन्नीस नब्बे के दशक में व्टेकर ने निर्माण और निर्देशन में हाथ आजमाया उन्होंने उन्नीस में ए रेज इन हार्लेम में सहनिर्माण और सहअभिनय किया उन्होंने उन्नीस में एचबीओ के लिए इनर्सिटी बंदूक हिंसा स्ट्रैप्ड के बारे में एक गंभीर फिल्म के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की और टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतरराष्ट्रीय आलोचकों का पुरस्कार जीता बीस उन्नीस में उन्होंने अपनी पहली नाटकीय विशेषता वेटिंग टू एक सहेल का निर्देशन किया जो इसी नाम के टेरी मैकमिलन के उपन्यास पर आधारित थी रोजर एबर्ट ने देखा कि फिल्म का लहजा भिटेकर की अपनी अभिनय शैली से मिलता जुलता था नपातुला शांत आत्मविश्वासी 21 भिटेकर ने सहकलाकार व्टनी ह्यूस्टन के फिल्म के थीम गीत एक सहेल शूप शूप के संगीत वीडियो का भी निर्देशन किया व्हिटेकर ने उन्नीस की रोमांटिक कॉमेडी होप फ्लोट्स के साथ अपना निर्देशन करियर जारी रखा जिसमें सेंड्रा बुलॉक और हैरी कॉनिक जूनियर ने अभिनय किया जिसका उन्होंने कार्यकारी निर्माण भी किया उन्होंने 2004 में रोमांटिक कॉमेडी फर्स्ट डॉटर में केटी होम्स का निर्देशन किया जबकि फ़िल्म में कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया उन्होंने पहले 2002 में फोन बूथ में होम्स के साथ सह अभिनय किया था उन्होंने कई टेलीविज़न फिल्मों के कार्यकारी निर्माता के रूप में अनुभव प्राप्त किया जिनमें सबसे उल्लेखनीय 2002 की एमी पुरस्कार विजेता डोर टू डोर है जिसमें विलियम एच मैसी ने अभिनय किया था भिटेकर ने घोस्ट डॉग द वे ऑफ द समुराई में एक शांत कबूतर पालने वाले बुशिडो का अनुसरण करने वाले भील के हिटमैन की भूमिका निभाई जो 1999 में जिम जार्मुश द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म थी कई लोग इसे विटेकर के लिए निर्णायक भूमिका मानते हैं तीन बर्ड के लिए अपनी तैयारी के समान तरीके से उन्होंने फिर से अपने चरित्र की दुनिया में खुद को डुबो दिया उन्होंने पूर्वी दर्शन का अध्ययन किया और अपने आंतरिक आध्यात्मिक हिटमैन को निखारने के लिए लंबे समय तक ध्यान किया एक जार्मूश ने साक्षात्कारकर्ताओं को बताया है कि उन्होंने भिटेकर को ध्यान में रखते हुए शीर्षक चरित्र विकसित किया था फिल्म की न्यूयॉर्क टाइम्स समीक्षा में देखा गया कि मुझे किसी अन्य अभिनेता के बारे में सोचना मुश्किल है जो इतनी गर्मजोशी और मानवता के साथ एक ठंडे खून वाले हत्यारे की भूमिका निभा सके तेईस कई फिल्म भूमिकाओं में काम करने के बाद वह 2006 में टेलीविजन पर लौटे जब वे एफेक्स के पुलिस धारावाहिक द शील्ड के कलाकारों में शामिल हुए लेफ्टिनेंट जॉन केवन के रूप में जो यह साबित करने के लिए दृढ़ थे कि मुख्य पात्र विक मैके माइकल चिकलिस एक गंदा पुलिस वाला है अपने पिछले चरित्र कार्य के विपरीत भिटेकर ने कहा कि उन्हें इस भूमिका के लिए केवल दक्षिण मध्य लॉस एंजिल्स में पलेब्रे अपने बचपन के वर्षों को आकर्षित करना था तीन उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए शानदार समीक्षा मिली वेराइटी ने इसे 'शानदार अच्छा अतिथि कार्यकाल कहा 24 और उन्होंने शो के 2007 सीजन में भूमिका को दोहराया टू मेन इन टाउन 2014 के प्रीमियर पर व्टेकर विटेकर अगली बार उस फिल्म में नजर आए जिसे अब तक की सबसे खराब फिल्मों में से एक कहा गया है 25 बैटलफील्ड अर्थ का 2000 का निर्माण जो एल रॉन हबर्ड के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है फिल्म की व्यापक रूप से एक कुख्यात व्यावसायिक और आलोचनात्मक आपदा के रूप में आलोचना की गई थी 25, 26 हालांकि भिटेकर के प्रदर्शन की फिल्म के निर्देशक रोजर क्रिश्चियन ने प्रशंसा की जिन्होंने टिप्पणी की कि हर कोई भिटेकर से बहुत आश्चर्यचकित होने वाला है जिन्होंने इस विशाल आवाज और हंसी को पाया सताइस बैटलफील्ड अर्थ ने सात रेजी पुरस्कार जीते 28 भिटेकर ने बाद में फिल्म में भाग लेने के लिए खेद व्यक्त किया आशचौ 2001 में भिटेकर ने वोंग कारवाई द्वारा निर्देशित द फॉलो में एक छोटी बिना श्रेय वाली भूमिका निभाई जो उस वर्ष बीएमडब्ल्यू द्वारा अपनी कारों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई पांच लघु फिल्मों में से एक थी तीस उन्होंने जोएल शुमाकर की 2000 दो की थ्रिलर फोन बूथ में किफ़र सदरलैंड और कॉलिन फेरेल के साथ सहभिनय किया उस वर्ष उन्होंने पैनिक रूम में जोडी फोस्टर के साथ भी सहभिनय किया फिल्म के खलनायक के रूप में उनके प्रदर्शन को आक्रामकता और सहानुभूति की एक सूक्ष्म रसायन विज्ञान के रूप में वर्णित किया गया था नौ दो की शरद ऋतु में भिटेकर ने ईआर पर कर्टिस एम्स के रूप में एक मल्टी एपिसोड स्टोरी आर्क शुरू किया भिटेकर को श्रृंखला में उनके प्रदर्शन के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला 31 इसके अलावा 2006 में भिटेकर टीआई के संगीत वीडियो लाइव इन तो दोस्तों पिछली मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो उसे 16 दिसंबर 2014 को रिलीज़ किया गया था और 21 जनवरी 2015 को फ्रांस में इंडिया में रिलीजिंग डेट इसकी थी तकरीबन जनवरी 2014, बाकी 109 सौ नौ में ट्रेनिंग लाइन थी बाकी कलेक्शन बहुत ही बढ़िया था 48 मिलियन के बजट के अंदर इसने 326.5 मिलियन का कलेक्शन किया जो कि बहुत ही बढ़िया सुपर डुपर एक तरह से हिट ये मूवी रही है बाकी दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बताई दी है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में